वेलकम टू माई चैनल एंड आई एम कनिका। सो आज है डे नंबर 8 ऑफ मी ट्राइंग रुजुता दिवेकर्स डाइट प्लान और आज मैं अपना वेट भी शेयर करूंगी आप सबके साथ, बिकॉज मैंने यही सोचा है कि मैं हर वीक जितना भी मेरा वेट रिड्यूस होगा, जो भी रिजल्ट्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बाय द वे, मेरा मेन फोकस वेट पे नहीं है, मेरा मेन फोकस फैट लॉस पे है, बट स्टिल मैं इसलिए चेक कर रही हूँ थोड़ा जिससे मोटिवेशन मिले। सिर्फ इसलिए मैं वीकली अपना वेट चेक करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी के लिए आई एम स्टार्टिंग माय डे विद वार्म वाटर और उसमें मैंने एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाला है, तो अभी मैं वो पीने वाली हूँ। उसके बाद एज यूजुअल मैं वही आलमंड और रेजन्स खाऊंगी और देन उसके बाद ब्रेकफास्ट। एक और चीज़, जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर पीते हो ना, तो उसे डायरेक्ट कभी मत पीना, ऑलवेज ऑलवेज यूज़ अ स्ट्रॉ, बिकॉज उससे क्या होता है आपके दांत वगैरह डैमेज होने का खतरा हो सकता है और आपके दांत ख़राब हो सकते हैं। तो हमेशा स्ट्रॉ यूज़ करना जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर पीते हो। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। आज ब्रेकफास्ट में है वेजिटेबल पोहा और थोड़ा सा मैंने दही लिया है, तो आज मैं ब्रेकफास्ट में ये खाने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आई हैव चेक्ड माय वेट और मैं उसको अभी थोड़ी देर में रिवील करूँगी। थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए, तो अभी मैं वीडियो में थोड़ी देर में आपको अपना वेट रिवील करूँगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी के लिए मैं इन्जॉय करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। A few moments later. So it's 11:30 और अभी मैं मिड मॉर्निंग स्नैक में खा रही हूँ ये बब्बू गोशा एंड उसके बाद मुझे एक काम से बाहर जाना है एंड उसके बाद मैं देखती हूँ मैं लंच में क्या खाऊंगी। अभी मैंने सोचा नहीं है मेरा लंच क्या होने वाला है, तो लेट्स सी, जैसे जैसे होगा मैं आपको शेयर कर दूंगी इस वीडियो में। तो गाइज मैं घर आ चुकी हूँ वर्कआउट करके। आज मैंने वर्कआउट में नॉर्मल कार्डियो ही किया है, बिकॉज कल मेरा लेग डे था, तो आज मैंने थोड़ी एक्सरसाइज लाइट ही रखी है और आज भी मेरा दिन थोड़ा इधर उधर यू नो कामों में ही निकल गया, तो मैं किसी काम से बाहर गई थी। और आज भी मैंने लंच में इडली ही खाई थी बिकॉज मैं घर से बाहर थी, तो आई थिंक दिस इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन जब आप वेट लॉस करते हो, तो अगर आप बाहर हो तो आप इडली खा सकते हो, तो इसलिए मैंने इडली ही खाई। और उसके बाद मैंने इवनिंग स्नैक में स्वीट कॉर्न खाए थे, वो मैंने आपको क्लिप में दिखा ही दिए हैं। देन उसके बाद मैं घर आके थोड़ी देर मैंने नैप लिया और उसके बाद मैं जिम चली गई। तो अभी फाइनली मैं जिम से आई हूँ अपना वर्कआउट ख़त्म करके और अब मैं जाके बनाऊँगी अपना डिनर। और मुझे आप लोगों के साथ अपना वेट भी शेयर करना है कि मैंने इन 7 days में कितना वेट लूज़ किया है, तो वो भी मैं डिनर टाइम पर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ अपना डिनर। तो गाइज मैंने अपना डिनर प्रिपेयर कर लिया है, बट डिनर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना वेट कि मैंने इस 7 days में कितना वेट लूज़ किया है। तो मैंने जब ये चैलेंज स्टार्ट किया था तो मेरा वेट था डे नंबर 1 पे 84.60 kgs और अभी सुबह मैंने आज ही अपना जो वेट चेक किया है वो है 82.25 kg। तो इन टोटल आई हैव लॉस्ट 2.25 kg इन अ वीक।
एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं 2 किलो कम कर लूँगी. मुझे ये था कि शायद 1 से 1.5 किलो तक मेरा वेट जो है वो कम हो जाएगा, बट मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा 2 किलो तक वेट कम हो जाएगा. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैट. एंड अब मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुकी हूँ अपने रिजल्ट्स को देख के. तो अभी इसी तरह से मैं धीरे धीरे इसी तरह से अपनी यू नो डाइट को फॉलो करूँगी. तो बेसिकली मैं ऐसी कोई सच रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं कर रही हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर चीज़ें ही खानी है. आप लोगों के साथ मैंने सब कुछ शेयर किया है कि मैं डेली बेसिस पे क्या क्या खा रही हूँ और मैं वही खाती हूँ, बट मैंने अपनी क्वांटिटी को बहुत कम कर दिया है पहले के कंपैरिजन में. तो उसी से ये सब रिजल्ट्स आए हैं. ऑल्सो जो मैं अभी तक खा रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं अगर कम खा रही हूँ तो मुझे बाद में भूख लगती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने आप को भूखा रखती हूँ. मैं सब कुछ खाती हूँ बट हर 2-2 घंटे के गैप में मैं खाना खाती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर कर देती हूँ. तो वो सब वीडियोस आप जाके देख सकते हैं. तो अभी के लिए आई एम वेरी हैप्पी. इसी तरह से नेक्स्ट वीक भी मैं अपना जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और नेक्स्ट वीक का जो मेरा यू नो वीक 2 के बाद जो भी रिजल्ट्स होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ऑल्सो गाइज, कुछ न्यू लोग हैं जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो मैं उन लोगों को सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. एंड अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. तो मैंने अब आप लोगों के साथ अपना वेट शेयर कर दिया है. आई होप इससे आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, बिकॉज अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप लोग भी डेफिनेटली कर सकते हो और बहुत हेल्दी वे में अपना वेट लॉस कर सकते हो. आपको किसी रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करने की या रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. आप यही डाइट फॉलो करके अपने घर में जो भी खाना बनता है उसी को खा के, कम क्वांटिटी अपनी कम करके, आप अपनी यू नो वेट लॉस जो भी आपका गोल है उसे अचीव कर सकते हो. तो अभी बातें बहुत हो गई हैं और अब ये मेरा डिनर टाइम हो चुका है. और आज मैं डिनर में खा रही हूँ, वेज पुलाव है और खीरे का रायता है. तो आज मैं ये डिनर में खाने वाली हूँ. तो फटाफट से मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि कैसे बने हैं मेरे वेज पुलाव. और इस पे मैंने ना थोड़ा सा ऊपर से ऐसे ही रफली चॉप करके पनीर भी डाला है. बहुत अच्छे हैं. एक और चीज़, मैंने यहाँ पे वाइट राइस लिए नॉर्मल. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ब्राउन राइस वगैरह यूज़ किए हैं. आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपको वाइट राइस पसंद है आप वाइट राइस खाइए, आपको ब्राउन राइस पसंद है आप वो खाइए. तो अब मैं इंजॉय करती हूँ अपना डिनर और आपसे मिलती हूँ अपनी लास्ट मील पर.